गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वीडियोस लेसन नंबर 9, ओके पार्ट 1, ओके नाउ लेसन नंबर 9 चल रहा है हमारा। तो लास्ट पीरियड में हमने ये जो तीन मेथड्स टू फाइंड आउट द अनइवननेस ऑफ लैंड ये हमने देखा था, उसमें कॉन्टूर मेथड, लेयर टिंडिंग मेथड एंड डिजिटल इवेलेशन इलेवेशन मेथड, डिजिटल इलेवेशन मेथड, ये तीनों हमने देखा था। अभी पेज नंबर 41 सी, अभी ये जो है इसमें ज़्यादा लेसन ये टेक्स्ट बुक में लिखने का वर्क है, ओके सो आपको आपके पास आपके बुक चाहिए, बुक लेना है साथ में और पेंसिल भी चाहिए, पेंसिल या पेन आपको चाहिए, ओके नाउ स्टार्टिंग लेसन पेज नंबर 41, ओके रेडी यस। मेनी पीपल यूज मैप्स, अभी हम ये लेसन में ये मैप का ही लेसन है, सो हम अभी फिर से बोल रहे हैं मेनी पीपल यूज मैप्स, मेनी कंपोनेंट्स आर शोन इन मैप्स और आउटलाइंस आउटलाइन मैप्स, मैप में और आउटलाइन मैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाते हैं, ओके नाउ इफ दिस कंपोनेंट्स आर शोन ऑन डिफरेंट मैप्स इन डिफरेंट वेज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम, ओके अगर ये जो कंपोनेंट्स है इफ दिस कंपोनेंट्स आर शोन ऑन डिफरेंट मैप्स इन डिफरेंट वेज अलग अलग मैप में और अलग अलग तरीके से बताया तो हमें वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी रहता है, ओके देयरफॉर स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू मेक द मैप इजी टू रीड, इसलिए मैप में देखो अभी इंडिया का एक सिंबल रहता है, अमेरिका का दूसरा सिंबल रहता है, जर्मनी का अलग सिंबल रहता है, ऐसे अलग अलग सिंबल्स और साइंस यूज कर रहे हैं मैप में, तो वो बहुत क्या है बहुत हार्ड रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए, उसमें जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए हमें हार्ड जाता है ना। सो क्या करते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड साइंस यूज करते हैं मैप्स में, ओके therefore standard signs and symbols are used to make the map easy to read, map reading के लिए standard signs and symbols use करते हैं, okay these symbols and signs are universally used for specific components, और ये जो symbols हैं और signs are universally used for specific components, for ये जो symbols और standard unit and symbols ये जो है वो यूनिवर्सली यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया, ये इंडिया अकेले के लिए नहीं पूरा दुनिया के लिए यही सिंबल्स यूज करते हैं, ओके देन तो फिर वो क्या होता है किधर का भी लोग उसमें से मैप रीडिंग जो करते हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अमेरिका के लोग बहुत सारे अपने इंडिया में आते हैं उनको इंडिया का मैप देखना पड़ेगा तो वो देखते तो उसको इजीली समझ में आता है क्योंकि उसमें जो सिंबल्स एंड साइंस जो है वो इंटरनेशनल वाला रहता है, ओके सभी को अंडरस्टैंडिंग होता है वो सिंबल्स सभी के लिए रहता है। देन दीज सिंबल्स एंड साइंस आर यूनिवर्सली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स दैट इज व्हाई एवरीवन कैन अंडरस्टैंड देम, ओके नाउ कन्वेंशनल साइंस ओके हियर इट इज टेलिंग अबाउट कन्वेंशनल साइंस, कन्वेंशनल साइंस मतलब कन्वेंशनल साइंस, साइंस आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप एज पर कन्वेंशन, कन्वेंशन के हिसाब से बहुत सारे चीजें बहुत सारे साइंस एक मैप में दिखाते हैं, ओके वो कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं उसको, और दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐसे रहता है। ये जो कन्वेंशनल साइंस जो है वो कैसे रहता है इधर ज्योमेट्रिकल मैप और शेप्स, ओके इधर द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स के रूप में होता है, नहीं तो
कुछ लेटर्स हो सकता है. ओके सो साइंस आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप एज पर कन्वेंशन. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स. लेटर्स नहीं तो ज्योमेट्रिकल शेप यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइन्स, लाइन्स यूज करते हैं. अब हमने पहले ही देखा था कॉन्डोर लाइन मेथड में, कॉन्डोर लाइन मेथड में हमने लाइन्स यूज किए हैं. यस देन सर्कल्स, सर्कल्स भी आते हैं. और ट्रायंगल्स मीन्स ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते हैं. डॉट्स एक्सेट्रा, सर्कल्स ट्रायंगल्स एंड डॉट्स, लाइन्स आल्सो. ओके देन कन्वेंशनल सिंबल्स. पहले कन्वेंशनल साइंस हो गया, अभी कन्वेंशनल सिंबल्स. सिंबल्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप एज पर कन्वेंशन. अभी इधर क्या होता है, सिंबल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ साइंस. हियर इट इज यूजिंग द सिंबल्स. देन सिंबल्स आर मिनिएचर ड्रॉइंग ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स. हाँ मिनिएचर ड्रॉइंग रहता है. ये जो सिंबल है वो कैसे है, बहुत बड़ा सिंबल से क्या? नो, ये ड्रॉइंग ये जो सिंबल्स का ये जो ड्रॉइंग रहता है मिनिएचर मेथड में है, मतलब छोटा छोटा है. ओके एकदम छोटे छोटे इमेजेस है. और फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मॉस, फोर्ट्स एक्सेट्रा. ओके मिनिएचर ड्रॉइंग ऑफ द रेस्पेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट का ड्रॉइंग चाहिए वो मिनिएचर मेथड में, मतलब एकदम छोटा करके उसका मिनिमम साइज में वो किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, मॉस, फोर्ट एक्सेट्रा. नाउ the use of signs and symbols in a map helps the reader to get exact information about the places on the map. abhi aise pictures hai, ye jo symbols hai, ye symbols dekhe fort ka symbols dekhe, fort ka symbol jo jagah mein hai udhar, wo jo map reading karta hai usko jaldi samajh mein aata hai ha wahan pe fort hai. okay aur temple ka symbol dekhe usko samajh mein aata hai हाँ वहाँ पे टेम्पल है. ओके अगर टेम्पल में दर्शन करना है, हाँ मंदिर में जाना है तो वो टेम्पल का सिंबल देखता है कहाँ कहाँ है. ओके देन द यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन ए मैप हेल्प्स द रीडर टू गेट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस ऑन द मैप. ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द साइंस एंड सिंबल्स रिप्रेजेंट इज गिवन इन द की टू द मैप. अभी देखो फिर से बोला है, ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द साइंस एंड सिंबल्स रिप्रेजेंट इज गिवन इन द की टू द मैप. देखो अभी नीचे कुछ दिया हुआ है और भी आपको ये मैप के साइड में आपको कीज दिया हुआ है सिंबल्स का और साइंस का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना. आपने एक मैप कभी देखा है तो आपको उसके साइड में वो कीज दिया हुआ है, कीज रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कीज. हर एक सिंबल या साइन वो मैप में यूज किया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो साइड को दिया हुआ है. ओके देन कैन यू टेल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइंस एंड सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस. बेटा अभी आपको आपके बुक में देखना है और पेंसिल आपके हाथ में है ना. यस सो आपको मैं आपको बताऊंगी, वो आपको लिखना है, मैं बोर्ड पर लिखूंगी वो देख के आपको इधर लिखना है. पेज नंबर 42 में आ गए हम, उसमें कुछ सिंबल्स दिया है ना, तो उसका नाम वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको इधर लिखना है. मैं लिखूंगी बोर्ड पर, वो आपको देखकर लिखना है. जब मैं लिखती ना तो आप एक स्क्रीनशॉट निकालना है आपके मोबाइल पे. ओके अगर ये हो गया टाइम, अगर हो गया नहीं तो मैंने रब किया बोर्ड, तभी भी आप बाद में भी लिख सकते. ओके इसलिए आपको जल्दी क्या करना है, जब भी मैंने बोर्ड में लिखा तब आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है. ओके सो फर्स्ट वन, लुक एट द फर्स्ट सिंबल, वो क्या है उधर, क्या दिया है, क्या दिया है उधर फर्स्ट सिंबल में क्या दिया है. हाँ ये है सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा नंबर वन, सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान. ओके
ये आपको, ये सब लिखने के बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर टू, नंबर टू का आपको मालूम है ये क्या है, आप कहाँ देखता है, टीवी में दिखता है ये, और ये सिंबल कौन सा चैनल का है, कौन सा चैनल का सिंबल है वो? यस, इट इज दूरदर्शन। नंबर थ्री, नंबर थ्री, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अभी हमारा एक दो लेसन के पहले हमने ये इसके बारे में स्टडी किया था, वो क्या है, एक बॉय है और एक गर्ल है, बीच में एक लाइन है ऐसे, तो वो क्या होता है? यस, इट इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। नंबर फोर, नंबर फोर, ये भी आपको बहुत फेमिलियर है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये क्या है, हॉस्पिटल का सिंबल है, हॉस्पिटल। नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर फाइव क्या है, स्कूल इज अहेड। आप रोड पर ऐसे रोड में से गाड़ी से अगर जाते हैं तो आप ये सिंबल बहुत बार स्कूल के पास में अगर ये तो आपको ये सिंबल दिखता है, क्योंकि गाड़ियां बहुत ट्रैफिक रहता है, अगर बिजी रहता है, ट्रैफिक बिजी रहता है तो ऐसे सिंबल स्कूल के पास ऐसे सिंबल रखते हैं, है ना, वो क्या है, स्कूल इज अहेड। फिर ऐसे सिंबल रखा तो क्या करते हैं, गाड़ी स्लो चलाते हैं उधर, है ना। Then next, last वाला क्या है, बाल भारती, बाल भारती। बाल भारती, अब अभी क्या करना है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। अगर मैंने ये रब किया, मैं नेक्स्ट पोर्शन में अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक में अगर गए तो मैं ये रब कर सकती है, तो आप क्या करना है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो इधर के इधर, फिर आप बाद में भी लिख सकते। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी द लिस्ट ऑफ सम सिंबल्स यूज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया व्हाइल मेकिंग मैप्स। अभी आपको ऐसे और कुछ सिंबल्स के बारे में आप फाइंड आउट करना है, गूगल में वगैरह आपको मिलता है। स्टडी द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द सिंबल्स यूज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया व्हाइल मेकिंग मैप्स। देन नेक्स्ट दिया है, ये क्या है, पीओ अगर दिया है, पीओ दिया है वो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस। ओके, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या दिया है, वो हार्बर का रहता है, हार्बर मतलब, हार्बर क्या होता है, हार्बर क्या होता है, शिप्स वगैरह लैंड करते हैं, हाँ, वहां पे हार्बर। ओके, नेक्स्ट लाइट हाउस, नेक्स्ट वन इज लाइट हाउस। देन नेक्स्ट फोर्ट, ओके, नेक्स्ट बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड मतलब स्मशान भूमि बोलते हैं ना, वो जहां पे डेड बॉडीज का क्रीमेशन करते हैं, ओके, वो बरियल ग्राउंड। नेक्स्ट एक लाइन दिया है, लाइन डॉट ऐसे दिया है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। ओके, सो दिस आल्सो यू हैव टू सी केयरफुली। नेक्स्ट वन इज बैटलफील्ड का पिक्चर देखो। नेक्स्ट रेलवे, रेलवे का ट्रैक और पटरी का पिक्चर दिया है। नेक्स्ट वेल, देन स्प्रिंग, एक प्लस दिया है ब्लू कलर में, स्प्रिंग। देन एक ट्रायंगल दिया है और 200 दिया है, वो क्या है, ट्रायंगुलेशन मार्क, ट्रायंगुलेशन मार्क। नेक्स्ट सेटलमेंट, ओके, देन ग्रास,
ग्रास दिए है, ग्रास का पिक्चर। देन कॉन्डोर लाइन, कॉन्डोर लाइन देखो कैसे दिया है, देखो कॉन्डोर लाइन। देन लेक, लेक ओके। देन रोड, रोड दिया है ना, यस। नेक्स्ट माइन, माइन दिया है। देन उसके बाद में आर एफ दिया है, वो रिसर्व बिस्किट, रिसर्व फॉरेस्ट, रिसर्व फॉरेस्ट ओके। सो दिस यू हैव टू ऑब्जर्व ओके, यू हैव टू रीड एंड रीड दिस नेम्स एंड सी दिस पिक्चर्स ऑल्सो, रिलेटेड पिक्चर्स ऑल्सो। नाउ डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया इज द फेमस मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। हाँ, ये मैप्स कहाँ बनाते हैं, मैप्स कहाँ बनाते हैं? द सर्वे ऑफ इंडिया इज द फॉरमोस्ट मैप मेकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये मैप्स यहाँ पे बनाते हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया, वैसे हर एक कंट्री का रहता है ओके। इंडिया के लिए, इंडिया में इसे कौन सा है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट में करते हैं। देन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1767। ये जो इंस्टीट्यूशन, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया कब, कौन से ईयर में, 1767 में इस इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। देन दिस इज, दिस इंस्टीट्यूट हैज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ टॉपोग्राफिक मैप्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन वेरियस स्केल्स बाय कंडक्टिंग फील्ड सर्वेस ओके। ये इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ टॉपोग्राफिक मैप्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन वेरियस स्केल्स बाय कंडक्टिंग फील्ड सर्वे करके इस इंस्टीट्यूट ने इंडिया का बहुत सारे मैप्स बनाया है। These maps are known the world over for their accuracy. So, ये जो maps है बहुत क्या है, बहुत famous है okay. So, इनका accuracy बताते हैं, मतलब these maps are very famous. Then, the institute's headquarters are in Dehradun in Uttaranchal, Uttarakhand. Uttarakhand में है इसका headquarters. हेडक्वार्टर्स मेन ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ओके, नॉर्थ इंडिया में ओके। सी मैप्स बनाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग ओके, सर्वे ऑफ इंडिया 1767। उनका सिंबल जो है वो देखो, है ना, यस। नाउ Use your brain power. Jasbir and Manjit are reading a map. ये दोनों map reading कर रहे हैं. They do not understand the following signs and symbols. उनको समझ में नहीं आया, ये जो कुछ signs और symbols नीचे दिए हैं वो उनको समझ में नहीं आया, वो आपको, आप उनको help करना है. Will you help them by writing the meaning of such sign and symbol? ये जो sign, ये sign है कि symbol है, वो भी लिखना है bracket में, और वो सिंबल का या साइन का नाम भी लिखना है, दोनों भी काम करना है ओके। सो आई एम गोइंग टू रब इट, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन पीओ लिखा है, वो क्या है, वो एग्जांपल दिया है आपको, फर्स्ट वन इज गिवन एज एग्जांपल। नाउ सेकंड वन क्या है, वो लाइट हाउस, लाइट हाउस सब इधर नहीं, पीछे दिया हुआ है, नेक्स्ट ये पीछे की पेज में लिखा हुआ है ओके आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप सिंबल है कि सही है वो नहीं कर सकते ओके। फर्स्ट वन लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है, ब्रैकेट में ये भी आपको लिखना है सिंबल या साइन, लाइट हाउस क्या है, सिंबल, सिंबल ओके। नेक्स्ट फोर्ट, फोर्ट, फोर्टी फोर्ट, फोर्ट क्या होता है, फोर्ट क्या होता है, सिंबल, फोर्ट इज ऑल्सो सिंबल ओके। नेक्स्ट बैटल फील्ड क्या है, सिंबल, बैटल फील्ड
नेक्स्ट रेलवे, रेलवे रेलवे क्या है सिंबल, सिंबल। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर वेल, वेल वेल का सिंबल होता है, की साइन होता है सिंबल। सिंबल नेक्स्ट स्प्रिंग, नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग, स्प्रिंग एक मिनट, स्प्रिंग स्प्रिंग जो है वो साइन रहता है, ओके स्प्रिंग जो है वो साइन, ओके। सो बाय दिस ये भी हमारा पीरियड अभी इधर खत्म हो गया, सिर्फ इसका एक्सरसाइज बाकी वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। सो बाय बाय फॉर टुडे, ओके हैव अ नाइस डे।